निर्गमन की पुस्तक उसका 17वां अध्याय, थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। मैंने कहा पानी की बात हो रही है, अभी तक खाने की बात हुई, अब पानी की बात हुई, बगैर खाने और पानी के। लेकिन पानी कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट था प्रभु के लिए शुरू से। आपने देखा होगा कि जब हमने उत्पत्ति की किताब में अपनी सीरीज शुरू की थी तो कुएं के लिए बड़ी लड़ाई होती थी, याद है ना, कुएं के लिए। हाँ, वो आकर के कुएं ले लेते थे, कुएं ले, खाने की लड़ाई नहीं होती थी, खाने की ज्यादा लड़ाई नहीं होती थी। सबके पास अपने ढोर थे, अपने जानवर थे और भेड़ बकरियां थी, वो मार के खाते थे। लेकिन पानी के लिए हर जगह, बिना पानी के काम नहीं चलता था। और पानी एक अजीब चीज है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ये तो कहावत है, गाना भी है, अजीब अजीब चीज है। उसी बाल्टी में से एक गिलास पी लिए, वही पानी कितनी चीजों में काम करता है। उसी पानी को पौधे में डाल दिए, गुलाब में डाल दिए, गुलाब खिल गया, कैक्टस में डाल दीजिए तो कैक्टस के, पानी नहीं कहता कि भाई अब हम तो गुलाबी में डालेंगे, वो गुलाब जल नहीं है, वो कैक्टस जल नहीं है। पानी गिरे ज्यादा तो बाढ़, ना गिरे तो सूखा। एक चीज ऐसा, ऐसी चीज परमेश्वर ने बनाई, ना उसका कोई रंग, ना उसका कोई स्वाद, हर चीज में एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, हर धर्म में पानी का इतना महत्व है। आप हिंदू लोगों में देखिए, बगैर पानी के उनका काम नहीं होता। भाई डुबकी जब तक नहीं लेंगे तो डुबकी कहां लेंगे, मोबिल में तो डुबकी लेंगे ना, डीजल में तो डुबकी लेंगे, पानी ही चाहिए उनको। मुसलमान लोगों को आप देखिए, बगैर वजू किए हुए जो हाथ और पैर धोते उसको वजू बोलते, भले ही वो थोड़ा थोड़ा ही पानी हो, लेकिन बगैर उसके हाथ पैर धोए नमाज नहीं अदा होती। पानी, आप मेरे साथ हैं थोड़ी देर के लिए, थैंक यू लॉर्ड। और किसी ने पानी का उतना इंतजाम नहीं किया जितने हमारे प्रभु ने किया। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज, अभी मैं आपको ले जा रहा हूं कहीं, इतनी महत्वपूर्ण। सबने खाने का खूब इंतजाम किया, खाना दे दिया, खाना दे दिया, ये खाओ वो खाओ फलाना खाओ। अच्छा, सब जो है वो खाने की खूब चर्चा करते हैं। बीमारी हुई, डॉक्टर साहब क्या खाएंगे, कोई नहीं पूछता डॉक्टर साहब क्या पियेंगे, काम कीजिएगा ठर्रा छोड़ दीजिएगा, विस्की पी ली। खाने पीने का कोई नहीं पूछता, राइट, खाने का, डॉक्टर साहब क्या खाना है, क्या खाना है, खाने की चर्चा है, पीने की चर्चा नहीं। लेकिन हमारे प्रभु ने ऐसा इंतजाम किया, ये पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और थोड़ी कुछ एक आयतें मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, आप सुनिएगा। फिर इसराइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने टेरे खड़े किए और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। परमेश्वर की आज्ञा थी लेकिन वहां उनको पीने का पानी ना मिला। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जब आप अपना खाते हैं तो दुख भरी रोटी खाते हैं, कमी हो जाती है, खमीर नहीं मिला पाते हैं, भागते भागते खाते हैं, जल्दीबाजी में खाते हैं क्योंकि आप अपना खा रहे हैं। लेकिन जब खुदावंद खिलाता है तो वो मेज लगाता है, वो भरपूरी के साथ खिलाता है, वो 12 टुकड़े उठवाने की ताकत रखता है, वो 2 मछली 5 रोटी को 10,000 से ज्यादा की भीड़ को खिलाने की ताकत रखता है। आप है मेरे साथ, आप थोड़ा मेरे तो प्रेज द लॉर्ड बोलते रहिएगा। हाँ, आप घबराइए नहीं, जरूरी नहीं कि जब मैं बोलूं तभी आप बोले, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। खाने का इंतजाम जब वो करता है तो दिल खोल के करता है। करात नाले में जब अकाल पड़ा तो एलिया को कौओं ने लाकर के खाना खिलाया, खाने का वो इंतजाम कर रहा था। एलिया जाकर के नौकरी चाकरी नहीं कर रहा था, एलिया तो बैठ करके अपना एंजॉय कर रहा था, कौए आकर के उसको भोजन करा रहे थे। लेकिन वहां पर भी एक गड़बड़ हुआ, खाना नहीं रुका, पानी सूख गया। करात नाले में भी पानी का इंपॉर्टेंट, जैसे ही पानी खत्म हुआ परमेश्वर ने कहा उठ जा यहां से, यहोवा ने कहा उठ करके अब सारपत के आ जा। परमेश्वर ने पानी को इतना इंपॉर्टेंस दिया गहरे जल के ऊपर, और कुछ नहीं था, हवा नहीं थी, सूरज नहीं था, चांद नहीं था, जल था, यहां इनको पानी नहीं मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो। फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी,
तब वे ये कहकर मूसा पर बड़बड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र में क्यों ले आया है। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं, ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इसराइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा। अभी हमने भजन संहिता में मरीबा का जिक्र पढ़ा था, और मरीबा रखा क्योंकि इसराइलियों ने वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। प्रॉब्लम पानी की नहीं थी, प्रॉब्लम उनकी यह थी कि वेदर गॉड इज विथ अस और नॉट। एक बर्तन जिसको कुम्हार ने बनाया है, वो एक बार मेरे पास आया और कहने लगा, कुम्हार भी होता है। कुम्हार भी कोई चीज है। आपको ये सुन के हंसी नहीं आ रही? बर्तन कह रहा है कि कुम्हार कोई चीज होती है क्या? कुम्हार नाम का कोई चीज होता है क्या? अबे अपने को देख, तू आया कहां से? हाँ, तू क्वेश्चन कर रहा है कि कुम्हार होता है, कुम्हार नाम की कोई चीज होती है, कुम्हार नाम का कोई आदमी होता है, कुम्हार तो कोई चीजें नहीं होती, तो तू कहां से आया? ये लोग पूछ रहे हैं, यहोवा है कि नहीं है? अरे अपने आप को देख, अपनी सृष्टि देख, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी औकात क्या है? तुम बनाए गए हो उसी यहोवा की वजह से बनाए गए। बर्तन तुम्हारी औकात क्या है? तुम तो पैदा ही किए गए हो कुम्हार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की कि कुम्हार भी कोई चीज है क्या? कुम्हार पर हम कैसे विश्वास करें? अरे तुम तो मूर्ख हो, बिल्कुल बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। कार निकली फैक्ट्री में से, कार पूछ रही, फैक्ट्री भी कोई चीज होती है क्या? हम तो नहीं देखे हैं फैक्ट्री को कभी। अच्छा, तो तुम कहां से आ गए? आज इंसान पूछ रहा है कि परमेश्वर यहोवा है कि नहीं है। आज हम लोग दुनिया का अस्तित्व मानते हैं, इसीलिए दुनिया से डरते हैं, केवल परमेश्वर से नहीं डरते। परमेश्वर का भय नहीं है, क्योंकि हमको ये हम मानते ही नहीं है कि परमेश्वर भी है। अगर आप जिस दिन ये मान जाएंगे कि परमेश्वर है, आपको आपकी औकात समझ में आ जाएगी। आप समझ जाएंगे कि भैया हमारा तो कुछ है ही नहीं। अगर हमारा हाथ टेढ़ा है, हमारा मुंह टेढ़ा है, हमारी आंख टेढ़ी है, हमारा जो कुछ है वो सब कुछ उस कुम्हार की वजह से। आज हमारा बर्तन का जो फूलापन है, जो लंबापन है, जो चौड़ापन है, वो कुम्हार की वजह से उसने बनाया है। हम कौन होते हैं उस पर वाद विवाद करने के लिए? कुम्हार ने अपने लिए बनाया, मेरे लिए नहीं बनाया। आज हम अगर अस्तित्व में है तो कुम्हार की वजह से। कुम्हार है तो हम हैं, और हम हैं तो कुम्हार भी है। फिर से सुनिए, हम हैं तो कुम्हार भी है। अगर हम हैं तो हमारा बनाने वाला कोई है। पापा भी कोई चीज होते हैं, मम्मी भी कोई चीज होते हैं। वाह क्या बात है, मम्मी का अस्तित्व आप गायब कर दे। मम्मी होती ही नहीं है, पापा होते ही नहीं है, तो तुम कहां से आ गए? अगर आप हैं तो इसके मतलब आपके मम्मी भी थे और पापा भी थे। लोग कहते हैं ये अनाथ है। अरे अनाथ नहीं है, ऐसे कैसे अनाथ? टपक करके आए हैं क्या? आसमान से आए हैं क्या? पेड़ पर से आए क्या? अरे मम्मी, ठीक है मम्मी पापा मर गए, सभी के मर गए, मेरे भी मर गए, एक दिन तो सभी को मर जाना, लेकिन बिना मम्मी पापा के तो हम आ ही नहीं सकते। बिना प्रभु के, बिना परमेश्वर के हमारा अस्तित्व नहीं है। और प्रश्न यहां यही हो रहा था, प्रश्न पानी का नहीं हो रहा। जब पानी नहीं मिला, और हमारी और आपकी यही प्रॉब्लम है, हमारे घरों में, आप मेरी बात सुनिए, आप पानी पर मत जाइए, अभी हम पानी की बाद में बात करेंगे। आप ये देखिए कि एक अभाव हुआ, एक कमी हुई, एक थोड़ी सी तकलीफ हुई, तो क्वेश्चन गॉड के अस्तित्व पर हो गया, क्योंकि ये कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने लगे।
जानते हैं आप कब कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते हैं? जब आपकी आशा खत्म हो जाती है, जब मटके में आटा और तेल नहीं होता है और आपको यह मालूम है कि रात हो गई है, अब सारी दुकानें बंद हो गई हैं, आपकी आशा का आप कुड़कुड़ा, आपका हस्बैंड सुबह नहीं बताती हो, पहले नहीं बताती हो, अब रात भर वो कुड़कुड़ बुड़बुड़, अगर आपको आशा है कि अरे यार अभी तो दुकान खुली है, भेज के मंगवा लेंगे किसी से, उसमें कौन सी बड़ी बात, ब्रेड खत्म हो गई, अंडा खत्म हो गया, अभी मंगवा लेते, दो मिनट लगे, जब बेटा लेकर क्या आ गया, बुड़बुड़ाना खत्म, क्योंकि आपको मालूम है कि कहीं से ये आ सकता है। बात समझिए मेरी, आपको आशा है, आपको भरोसा है कि अरे अभी बोल देंगे, पैसा नहीं भी है तो उसको बोल देंगे, फोन कर देंगे, अभी भेज देगा, अभी चला आएगा। लेकिन जब आप कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने लगते हैं तो ये सीधा सा संबंध, आप उस पर यकीन नहीं कर रहे कि वो आपकी कमी और घटी को पूरी कर सकता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आप किस पानी की चर्चा कर रहे हैं? उसने न सिर्फ हरी चराइयां आपको चबाने के लिए और खाने के लिए दी, आपको सुखदाई जल का झरना भी दिया। इनको मालूम ही नहीं था कि उनके पास, परमेश्वर छोड़ दीजिए, सुखदाई जल, सब लोग बोलिए सुखदाई जल, खाली जल नहीं सुखदाई जल। मालूम है पानी कई बार कड़वा भी होता है, पानी कई बार बासी भी होता है, पानी कई बार महकता भी है, लेकिन वो जो पानी देता है वो पानी सिर्फ पानी नहीं होता है, वो कोई बोल दीजिए, जरा से जोर से बोल दीजिए, आ हा हा, आपने कभी जल के बारे में सुना है सुखदाई? भैया पानी पी लिए, सुखदाई जल है। हमारा प्रभु जो पानी देता है ना, वो जल नहीं देता, पानी नहीं देता, वो सुखदाई जल देता है। हम और आप और जो जल पीते हैं ना, ये दुखदाई जल है, ये दुख देता है, लेकिन हमारा प्रभु सुखदाई जल देता है। उसने सामरी स्त्री से कहा कि ये जो पानी है ये दुखदाई पानी है, पांच पति कर चुकी है, आज तक जिसके पास है वो भी तेरा पति ने, इसी में से ले जाती थी ना पीने और पिलाने के लिए, आज तक तेरा जीवन दुखदाई था, मगर आज जो जल मैं तुझे दूंगा, जब वो पिएगी तो वो दुखदाई नहीं, वो सुखदाई जल होगा। आज के बाद से तेरी जिंदगी बदल जाएगी, आज के बाद से तेरे को पति की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज के बाद तू प्रभु तेरा पति हो जाएगा, प्रभु तेरा दूल्हा हो जाएगा, प्रभु तेरा उत्साह हो जाएगा, प्रभु तेरी शादी हो जाएगी, प्रभु तेरा शाद हो जाएगा, प्रभु तेरा जॉय हो जाएगा, प्रभु तेरी प्रसन्नता बन जाएगी, प्रभु तेरा परिवार बन जाएगा, प्रभु तेरा पिता बन जाएगा और प्रभु तेरा पति बन जाएगा। वो सुखदाई जल देता है। प्रभु ने कहा पानी अब नीचे से नहीं आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं खत्म कर रहा हूं। आशु भाई, अभी तक उत्पत्ति में आपने पढ़ा कुआं कुआं कुआं, अब प्रभु चेंज कर रहा है यहां से, इसीलिए मैं चाहता हूं कि बाइबल का अध्ययन करें आप। मैं तो जब पढ़ता हूं तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, अरे प्रभु क्या बात है। आप मेरी बात ध्यान से, आप हैं मेरे साथ, जरा बोल दीजिएगा प्रेज द लॉर्ड। अभी तक कुआं 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 होता था भैया, ठीक है ना, कुएं खोदे जाते, कुआं कहां होता था, धरती में होता था, जमीन में होता था, वहां से निकलता था, कुआं सूख जाता था। प्रभु ने कहा अब चेंज करते हैं, अब कुआं नहीं खोदेगा। ये बताइए, मूसा भी तो कुआं खोद सकता था, कुआं तो खुदते ही थे उस जमाने में, वो तो एक्सपर्ट थे कुआं खोदने में, जहां खोल लेते थे खुदा, ना अब कुआं नहीं, अब मौसम बदल रहा है, अब मैं अपना जलवा दिखाने पर, आप मेरे साथ नहीं है, अब ना ना ना, आप उसका जलवा तो देखना ही नहीं चाहते। उसने कहा अब मैं जलवा दिखाता हूं, अब इसके बाद कहीं कुआं नहीं खुदेगा, अब इसके बाद पानी चट्टान से आएगा। पानी चट्टान से आएगा, और एक लाइन में बताओ, चट्टान और कोई नहीं, हमारा मसीह वो चट्टान है। अभी मैं आपको पद दे रहा हूं, आप घबराइए नहीं। उसने कहा अब पानी तो मुझमें से आएगा, अब तुम्हारा ये क्या लिखा, क्या अभी हमने पढ़ा था भजन संहिता में, उनका टोकरी ढोना छूट गया, दुख भरी जो रोटी खाते थे छूट गया, जो कुआं खोद खोद करके, कहते ना कि जब प्यास लगती तो कुआं खोदा जाता है और कुआं जब तक पानी रहता तब तक रहता फिर सूख जाता। उसने कहा अब ये नहीं होगा, बहुत हो गया, आई एम गोइंग टू चेंज दिस थिंग, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि अब चट्टान में से पानी निकलेगा।
और एक पानी निकला था, एक पानी की धार निकली थी जब उस चट्टान को छेदा गया था। हमारे कलवरी क्रूस पर जब हमारा प्रभु चढ़ा और उसके पांजर में भाला छेदा गया तो वहां से भी पानी की एक धार निकली थी। मित्रों, अब कुआं खोदने की जरूरत नहीं है, अब आप उस धार में से पी सकते हैं जो हमेशा के लिए आपको सुखदाई जल देता है, जो उद्धार का जल देता है, जो हमेशा के लिए आपकी प्यास को बुझा सकता है। यह है हमारा प्रभु। बगझग करने लगे हमें पानी, प्यास के मारे हमको मार डालोगे। पढ़िएगा आशु भाई जरा ये वाला। अच्छा सिस्टर नेशनल को पढ़ने दीजिए, फिर वहां से हाँ नंबर तीन पढ़िएगा। नंबर तीन 17 का तीन। फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे ये कहकर मूसा पर भुड़भुड़ाने लगे कि तू हमें बाल लड़के बालों और पशुओं समेत प्यासों मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। तब मूसा बस हाँ, तू हमें काहे के लिए लाया है यहाँ पर, मार डालने के लिए। आप सोचिए, आप मार डालने के लिए, जब आप ये कहते हैं ना, ये सब आप खत्म हो जाएंगे, अब मर जाएंगे, ये प्रभु को पसंद नहीं है बिल्कुल। हम मर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। हमने पिछली बार आपसे एक बार बात किया था, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा और तेरी करुणा और भलाई की चर्चा करता रहूंगा। हमको मरने के लिए उसने नहीं बनाया है। He wants to give us life and life eternal। और हम लोग को तुरंत जैसे हम लोग के घर में कोई बीमारी हो, अरे कहीं मर ना जाए, कहीं मर, क्यों, क्या क्यों ये बात करते हो बार बार। ए मौत तेरा डंक कहा, ए कब्र तेरी फतह कहा, वो तो मौत पर विजयी होने आया है। और यहां ये लोग इस हद तक पहुंच गए, कहने लगे हम मरेंगे, बाल बच्चे मरेंगे, पशु मरेंगे, पूरा हम लोग का इतना अविश्वास। जो परमेश्वर तुमको लाल समुंदर के बीच से सूखी भूमि करके निकाल लाया, आप भी मन में सोच रहे हो यार बड़े बेवकूफ थे सब, बड़े बेवकूफ थे सब। इतना परमेश्वर ने जलवा दिखाया, 10 कार्यक्रम दिखाए अपने मिस्र में, 10 विपत्तियां दिखाई, कैसे कैसे लेकर क्या, किस पर हंस रहे हैं आप, किस पर हंस रहे हैं? इसराइलियों पर, अपने पर हंसी आप। अपनी शक्ल जाकर के आईने में अपने आप को खड़ा कीजिएगा और कहिएगा कि मैं किस पर हंस रहा हूं, मैं तो खुद अपने पर हंस रहा हूं। खुदा ने कहां से कहां हमको पहुंचाया। अगर उसकी भलाइयों की आप चर्चा करें तो लाल समुंदर तो बहुत छोटी बात हुई। आपको ऐसे ऐसे भयानक भयानक समुद्रों से वो निकाल करके लाया है कि आप उसकी चर्चा भी नहीं कर सकते। कोई है नहीं मेरे साथ, नहीं किसी का हाथ उठ जाए जिसको प्रभु ने लाल समुंदर से भयानक जगह से निकाल करके प्रभु। हाँ मेन, आप यहां बैठे हुए, आज आप करीब है, कनान देश के करीब है, और आप उन सबको भूल गए। इतनी याददाश्त हमारी कमजोर हो गई। अभी खाने के लिए कह रहे थे कि खाना नहीं मिलेगा तो हम सब मर जाएंगे, अब पानी नहीं, और खाना मिला, जम करके खाना मिला, प्रेज द लॉर्ड। तो अब जो खाना दे सकता वो पानी नहीं दे। कोई है मेरे साथ? डिनर पर बुलाए हम आपको, डिनर पर बुलाए विनय भाई, डिनर पर बुलाए, कहे भैया खाना तो है, पानी नहीं है आज, पानी कैसे अब हम करेंगे? भैया खाना खाना खिलाएंगे लेकिन बोतलवा लेते आइएगा अपनी, पानी लेते आइएगा अपनी। अरे वाह क्या बात, शादी के कार्ड में डिनर एट 8 PM प्लीज ब्रिंग ऑल योर वाटर बॉटल, कैसा लगेगा? जो प्रभु आपको खाना दे सकता है, क्या वो जल नहीं दे सकता आपको, वो पानी नहीं दे सकता आपको? आज पानी पर कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे, अभी तक खाने पर कह रहे थे कि मर जाएंगे, और इतनी बटेरें आई, इतने धनिया जैसे मन्ना आया जी। कोई है मेरे साथ? और आज ये कह रहे हैं कि हम पानी के बगैर मर जाएंगे। कैसी, मतलब इतनी बच्चों जैसी, बच्चे भी ऐसी बात नहीं कर, उनको भी अपनी माँ और बाप पर भरोसा रहता, लेकिन हमने और आपने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया है। एक बात बता के खत्म करना चाहता हूं, मेरी बड़ी तमन्ना है कि अपने क्रूस पर जाने के पहले एक बार तेरे तुम लोग के साथ भोजन करें। आपको याद है ना, आखिरी भोजन याद है, मेज पर बैठे थे। पहले तो उसने खाना लिया, रोटी ली, रोटी खिला दिया सबको, बोला अभी तक ये कंप्लीट नहीं है जब तक कि पानी ना पिलाए तुमको। बियारी के बाद, खाने के बाद उसने क्या लिया, कटोरा लिया। आवर गॉड इज ए गॉड ऑफ कंप्लीशन। वो खाना नहीं, खाना और पानी भी देता है। इट इज ए कंप्लीट फूड। याद रखिएगा, भोजन और पानी दोनों मिलके खाना होता है। जब आप डिनर देते हैं तो खाली खाना नहीं लगाते, बिना पानी के, बिना कोका के, बिना कोई ड्रिंक के कोई मजा है क्या?
जब तक वो ड्रिंक ना हो तब तक वो कंप्लीट नहीं है। पहले आपको, आप किसी के घर में आप जाते हैं, सबसे पहले आपको लड्डू नहीं पकड़ा दिया जाता, पहले पानी पूछा जाता है। अगर लड्डू ना हो तब भी चलेगा, रसगुल्ला ना हो तब भी चलेगा, पानी नहीं चले, पानी तो पूछना ही पड़ेगा। हाँ, किसी ने कहा ना पानी राखिए, वही आपकी इज्जत है, पानी आपकी इज्जत है। आज हमारा प्रभु हमको इतना जल पिलाना चाहता है, सुखदाई जल पिलाना चाहता है। मित्रों, हमारे बीच में वो है कि नहीं है? बस पहला कुरंथियों उसका 10वां अध्याय मैं खत्म कर रहा हूं। फर्स्ट कुरंथियों चैप्टर नंबर 10, पहला कुरंथियों चैप्टर नंबर 10 और उसकी 4वीं आयत पढ़िएगा। पहला कुरंथियों 10:4 जी। और सबने हाँ एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। अब सुनिए, अभी तक कुआं खोद के पिया जा रहा था, अभी तक यूसुफ पिला रहे थे, अभी तक अब्राहम पिला रहे थे, इसहाक पिला रहे थे, परमेश्वर ने सब चेंज कर दिया। एक लाइन में उसने कहा कुछ कुआं हुआ नहीं खुदेगा, ये कुआं तो खुद रहा है और फिर प्यासे हो जा रहे हो। पहुंच गए सामरी स्त्री के गांव, बैठ गए कुएं के ऊपर, बोले अब ये कुआं हुआ खत्म करो, बंद करो ये कुआं, बहुत तुमने पानी इसमें से खींच लिया। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द वॉटर ऑफ लाइफ। सबने उसी जल में से पिया और आगे क्या लिखा है कि उसी चट्टान, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। हाँ? क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। आत्मिक चट्टान से अब आपको पीना है, और सुनिएगा वो चट्टान कौन था, कैसी वो चट्टान थी, मैं ये कह के खत्म कर रहा हूं। दी स्टॉप जी। जो उनके साथ साथ जो कितनी जल्दी आप पढ़ दी उस लाइन को, आपने तो उस लाइन को कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, फिर से पढ़िए। जो उनके उनके किनके किनके, इसराइली नहीं, हमारे और आपके, बोलिए अब इसराइली इसराइली खत्म हो गए जी। जो उनके साथ साथ, एक मिनट, क्या चीज, मोबाइल गाड़ी, लिमोजिन गाड़ी, टोयोटा गाड़ी, क्या चीज साथ साथ चल रही थी भाई, ये कौन सी बात हुई? समथिंग उनके साथ साथ, फिर से शुरू से पढ़िए, ये पद बहुत इंपॉर्टेंट पद है जी। और सबने हाँ? एक ही आत्मिक जल पिया, ठीक है, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। क्योंकि वे उस आत्मिक, तू अपनी लाठी ले, मैं आगे चल करके उस चट्टान पर खड़ा हूं, उस पर मारना और उसमें से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। सबने उसी चट्टान में से पिया और उसके बाद वो चट्टान वहीं अड़ गई, वहीं खड़ी हो गई कि अब जाओ जो तुम लोग को करना है करो, फिर तुम लोग प्यासे मरोगे। जी नहीं, वो चट्टान उनके साथ 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 40, अभी कितना हुआ, अभी तो 12 ही हुआ, मैं 40 साल बोलू तब ना, 40 कोई है मेरे साथ, अभी 40 तो बोलने दीजिए, साथ साथ हाँ 40 साल वो चट्टान उनके साथ साथ चलती रही। कोई है मेरे साथ, प्रेज द लॉर्ड, इस पर तो तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए। आपने कभी किसी चट्टान को चलते हुए देखा है? यह है हमारे प्रभु का कमाल। उसने कहा कि तुमको मूसा के भरोसे नहीं, तुमको हारून के भरोसे नहीं, तुमको लवीन मुरार के भरोसे नहीं, तुमको मैं खुद अपने भरोसे पर लेके चलूंगा। अब मूसा पानी नहीं देंगे, ये चट्टान तुम्हारे साथ 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 चलेगी तुम्हारे। और इसीलिए दाऊद ने एलानिया कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मूसा मेरा चरवाहा नहीं है, लवीन मुरार मेरे चरवाहे नहीं है, फलाने चरवाहे नहीं है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वो हरी हरी चराइयां भी और सुखदाई जल के झरने कुएं नहीं देता है, वो झरने देता है, वो चट्टान में से हमको पानी पिलाता है। और वो चट्टान कौन था? मसीह था, वो चट्टान मसीह था। आज आप खुश नहीं है कि आपके पास मूसा नहीं है, एलिया लग, जब मूसा और एलिया आए, बोले हम लोग तीन मंडप बनाएंगे, तीनों की उपासना करेंगे, बोले क्यों तीन बनाओगे, ये चट्टान नहीं, मूसा चट्टान नहीं है, एलिया चट्टान नहीं है, चट्टान तो मसीह है और पानी तो मसीह में से मिलेगा।
आज लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है, अरे ये यीशु मसीह के मानने वाले, अरे ये यीशु मसीह की बात करते, क्या करे, हमारी मजबूरी है, हम मूसा को मान नहीं सकते, एलिया को मान नहीं सकते, अब्राहम को मान नहीं सकते, क्योंकि वो मेरी चट्टान नहीं है, मेरी चट्टान तो मसीह है जो मेरे साथ साथ चलता है। हालेलुया। जीवन के कितने पहलू आप चलना चाहते हैं, कितने वर्ष चलना चाहते हैं, वो ना सिर्फ भोजन देता है लेकिन वो एक ऐसी चट्टान है जो मेरे साथ 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 चलता है। प्रश्न क्या था उनका? पानी उनका प्रश्न नहीं था। एक मिनट, पानी उनका प्रश्न नहीं था। आपका प्रश्न पानी नहीं है, आपका प्रश्न यह है परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर है भी कि नहीं है, यह आपका प्रश्न है। अगर आपको यह मालूम होता कह रही यार चट्टान तो ही है, वो तो हमारे साथ साथ चल रही है, तो ये ना कुड़कुड़ाना होता और ना बड़बड़ाना होता, ना आपकी इतनी फजीहत होती। आज हमारी और आपकी फजीहत इसलिए हो रही है कि हमने खुदा के अस्तित्व पर विश्वास ही नहीं किया, उसके वचन पर विश्वास। कोई है मेरे साथ? अरे ये आपके साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप जहां जाते हैं लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बचपन से लेकर के आपको जो पहली बाइबल इनाम में दी गई, आज तक वो बाइबल मेरे पास है जो मेरी मम्मी ने मेरे को दी, और वो चट्टान मेरे साथ साथ चलती है। जब भी मैं प्यासा होता हूं, जब भी मुझको जरूरत होती, इनफैक्ट ये चट्टान मुझको प्यासा होने ही नहीं देती है। इसके पहले कि मुझे प्यास मिले, प्यास लगे, मेरे पास उसका पानी मौजूद रहता है। वो मेरी प्यास को हमेशा के लिए बुझाना चाहता है और हमेशा के लिए हमको जिंदा रहने देता है। आप डिहाइड्रेट, क्या लिखा है कि वे जो उस पर भरोसा रखते हैं वे उकाब किनाई बल प्राप्त करेंगे और वो दौड़ेंगे और श्रमित। एक बात बताए, जो दौड़ता है ना उसको सबसे अधिक किसकी चीज की जरूरत होती है मालूम है? काहे की? नहीं नहीं बिस्किट की, नहीं नहीं पुआ की, नहीं नहीं गुजिया की, नहीं नहीं केक की, काहे की जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है सर। उसको पूरा इतना बड़ा थाला ला के दे दीजिए कि खा लो भैया, वो कहे भैया सब हटाओ, एक गिलास बढ़िया पानी पिला दो। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। जानते हैं क्या होता है दौड़ में? आपका पसीना निकलता है, आप डिहाइड्रेट होते हैं, आप श्रमित श्रमित मतलब थकते। पानी मिलता रहेगा ना आप थकेंगे नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है आप तो उस पानी को छोड़ के घर पर छोड़ करके चले आए मरुस्थल में, दुनिया के मरुस्थल में। कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए। आप दुनिया के मरुस्थल में दौड़े चले जा रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक दौड़े चले जा रहे हैं, और जो चट्टान आपके साथ चलना चाहती है उसको तो आपने घर में लॉक करके रख दिया है। निकलना मत, घर में से निकलना मत। हमको मालूम है कि दरवाजा खोल देंगे तो मेरे साथ चल चलोगी, चट्टान तो मेरे साथ चल चलोगी, आपने तो लॉक कर दिया, आपने तो इसको ताक के अंदर कर दिया है। कहां इसको? कोई है मेरे साथ? दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में, हाँ जहां मैं चलूंगा वहां तेरा वचन चलेगा, जहां तेरा वचन चलेगा वहां मैं। इनफैक्ट कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड। मरुस्थल में जब ऊंट रास्ता तय करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं, मैं आपको बताऊं मरुस्थल में नखलिस्तान होते हैं, नखलिस्तान जिनको, जहां पानी होता है वो ओएसिस बोलते हैं, कुछ कुछ जगहों पर पानी होता है। जो उनका रूट होता ना भैया वो नखलिस्तान से बनाया जाता है, ताकि यहां से चले तो पहला नखलिस्तान पानी मिला, फिर यहां से चले तो यहां पानी मिला, फिर यहां। ये नहीं है कि जहां पानी नहीं ऐसे जाना भैया तुम लोग घूम के, मान लो वहीं फौत हो गए, वहीं खत्म हो गए। हम जानते कैसे चलते हैं? जहां परमेश्वर का कलाम ले जाता है, हम जहां परमेश्वर का कलाम लिया, जहां वो चट्टान चलती है वहां मैं चलता हूं। फिर से मेरी बात सुनिए, चट्टान मेरे साथ अब नहीं चलती है, जहां चट्टान चलती है वहां मैं चलता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जहां जरूरत पड़ेगी मुझको पानी मिल जाएगा, जहां मैं श्रमित हूंगा, जहां मुझे डिहाइड्रेशन होगा मेरे को पानी मिल जाएगा, मेरे को ताकत मिल जाएगी। मैं अपने मन से रास्ता नहीं बनाता हूं, परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे पथ के लिए उजाला, और मेरे मुंह के लिए, मेरे शरीर के लिए पानी का काम करता है, वो जल का काम करता है। हमें जरूरत नहीं है, मेरा रास्ता तय है, मेरा रूट बना हुआ है, मुझे कोई है मेरे साथ? हवाई जहाज जो है जानते कैसे चलते? जल से चलते हैं। अरे तेल जली है उनका, तो जब वो चलते उतरते हैं ना तो वो ये देख के चलते हैं कहां तेल भरवाया जा सकता है। ऐसी जगह से नहीं उड़ते जहां तेल नहीं है, मान लो ऊपर से टपक गए, खत्म हो गए। और हम और आप इस परमेश्वर की चट्टान को जो जीवन का जल देता है इसको कहीं बंद कर दिया, इसको रोक दिया, इसको हटा दिया, इसका कोई आप तो सुबह से शाम तक डिहाइड्रेटेड है, आपका होंठ सूखा जा रहा,
मालूम है जब आदमी डिहाइड्रेट हो जाता है पगला पगला जाता है, उसका दिमाग नहीं काम करता, वो इधर उधर दुनिया का काम करने लगता है। मेक श्योर दैट परमेश्वर की यह चट्टान आपके साथ ना चले, आप इसके साथ चलिए। प्रश्न क्या था उनका? परमेश्वर है कि नहीं है। बुड़बुड़ाने लगे, हम यहां मरने जा रहे हैं, हम खत्म होने जा रहे हैं। एक बार चेलों ने यही हिमाकत की थी, अरे तू सो रहा है, तुझे मालूम नहीं हम नाश हुए जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा क्या बोल दिए, क्या बोले? वापस देखिए, हर एक शब्द बड़े तौल के बोलिए। यूहन्ना 3:16 तुमने नहीं पढ़ा? तुम्ही में से एक लिखेगा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। और तुम ये वर्ड कैसे यूज कर दिए, हम नाश हुए जा रहे? तुम्हारी हिम्मत, हम प्रभु के सामने क्या क्या बक देते, प्रभु ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा। जो कोई इस जीवन के जल में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। उसी चट्टान में से पिया जो उनके साथ साथ चलती थी। ये कुड़कुड़ाना बड़बड़ाना हमारी जिंदगी में ना रहे मित्रों। मसीहियों की जिंदगी आनंद की जिंदगी होनी चाहिए। और लिखा है कि जो कोई मेरा वचन सुनता है उसके जीवन से ऐसी जल की नदियां बह निकलेंगी। नदियां जानती है, जानते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं होती, दूसरों के लिए बह जाती। कहां तक बह, कहां से निकलती, कहां चली जाती है। हजारों लोग उसमें, जानवर भी पी रहे हैं, ये भी पी रहे हैं उसमें, काले भी पी रहे, गोरे भी पी रहे, अंधे भी पी रहे, लंगड़े भी पी रहे, सब नदियां बह जाए आपके जीवन से। कहां कहां ये पानी चला जाए, परमेश्वर का वचन कहां कहां चला जाए। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने कुओं को पाट दिया है, कुएं भर गए हैं खुदावन, अब हम कुओं से नहीं, अब हम चट्टान से पीते हैं। फ्रेश वाटर, मिनरल वाटर, जीवनदायिनी वाटर, सुखदायी वाटर। पारा बाशा दारा राबा शाकार लाबा। थोड़ी देर के लिए प्रार्थना कीजिएगा। राबा बाशा दारा लाबा, तेरा धन्यवाद हो। री राबा बाबा शादारा लाबा। उस चट्टान का धन्यवाद दीजिएगा। प्रभु वो चट्टान तो आज भी मेरे साथ है, मेरे हाथ में वो चट्टान है, और ये चट्टान मेरे साथ साथ चलती है।